आज से दो महीना पहले मिस्टर विकास आनंद जी जो है वो कारगिल में आए थे और हिल काउंसिल में भी आए हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम हमारे सामने रखा कि एक नेशनल लेवल के आर्ट और पेंटिंग का एक कैंप जो है वो कारगिल में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। हमने डे फर्स्ट से जो है ना इनको हमारे अपना मॉरल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का एश्योर किया, और आज दो महीने के बाद इन रियलिटी में इन्होंने जो है ना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से जो है ना इतने हुनरमंद आर्टिस्ट को यहाँ पर लाया हुआ है। आज आप देख रहे हैं और लेह से और कारगिल से भी बड़े बडिंग यूथ जो है ना वो इनको मौका दिया है इस इवेंट का, और मुझे लगता है कि ये जो है ना हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को जो है ना उजागर करने में एक बहुत बड़ी मदद होगी, और ख़ासकर कारगिल जैसे इलाके में जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में इसका हमारे ये क्या इसका लोकेशन है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। आज तक जो है ना हिंदुस्तान में इनको एक वार जोन के हिसाब से लोग जाने जाते थे, लेकिन इतने आर्टिस्ट लोग आए, इतने अच्छे मैसेज लेके यहाँ पर आए हैं और वो अच्छे मैसेज ही लेके जाएंगे, तो कारगिल को एक देखने का इनको मौका मिला। हमारे भी इनको यही सजेशन था कि हमारे बडिंग यूथ को जो है ना बाकी स्टेट में भी हमारे लोगों को भी ऐसा मौका दिया जाए, तो मैं आज की इस मौके पर स्पंदन के फाउंडर मिस्टर आकाश मीनान जी का कारगिल LAHDC कारगिल की ओर से इनको अप्रिशिएट करता हूं, और हमारे कल्चर एकेडमी जो इसमें बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, कल्चर एकेडमी के दोनों ऑफिसर इन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और हमारे लोकल आर्टिस्ट ले से कारगिल से बहुत आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि आर्ट एक ऐसा कला होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे मैसेज सोसाइटी में जाता है, बुरे चीज़ों को ख़त्म करना, लोगों के रहन सहन, लोगों के कल्चर, लोगों के बहुत सारे जिससे सिर्फ आर्ट के थ्रू ही आप लोगों को बता सकते हैं। क्रिएटिविटी के एक्सप्लोरेशन के साथ साथ क्या टूरिज्म के लिए बढ़ावा हो सकता है इस कैंप? बिल्कुल हो सकता है। हमने ये इनको रिक्वेस्ट किया है कि कारगिल के अच्छे चीज़ों को, कारगिल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये लोग विजिट करेंगे, उन चीज़ों को लेके इनको ये जो है ये आर्टिस्ट लोग जो है ना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिंदुस्तान में बल्कि बाकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका कैंप होता है, तो वहाँ पर जाके जिस जिस जगह पर ये लोग गया है वहाँ के जो है एक अच्छी चीज़ों को लोगों को वो करने की इनको हमने रिक्वेस्ट किया है, और इनके माध्यम से ही हमारे कारगिल के जो है एक पब्लिसिटी जो है बाकी जगहों पर जाएंगे, तो उसमें जिससे हमें टूरिज्म के लिहाज से भी हमको फ़ायदा हो सकता है। ये लद्दाख कल्चरल एकेडमी कारगिल की और स्पंदन जो एसोसिएशन है जो गोवा से ताल्लुक़ रखते हैं, फुल सपोर्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन और LAHDC कारगिल से मिला है, तो ये एक ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप है जिसमें हमारे मुल्क के अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे लोकल ले और कारगिल की जो आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट है, जो कोई PhD कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, उनको भी हमने दावत दिया, तो ये एक 7 दिन का एक हमने कैंप रखा है। साथ ही साथ इस कैंप के माध्यम से हम स्कूल के बच्चों का भी वर्कशॉप कर रहे हैं अंडर द एजिस ऑफ जितने भी हमारे एक्सपर्ट है, वो गाइडेंस करेंगे। साथ ही साथ आर्मी का भी एक इवेंट रखा है, साथ उनका कल्चर ट्रूप भी रखा है, कल्चरल उनको इवेनिंग भी रखा है 7 तारीख को। साथ ही साथ हमने उनको एक आउटिंग भी रखा है जितने भी हमारे गेस्ट हैं, ताकि वो जब यहाँ से जाए कारगिल से तो एक एम्बेसडर एक दूत का एक मैसेज ले जाए पूरे मुल्क में कि कारगिल ऐसा है। तो जितने भी हमने बुलाया स्पंदन और कल्चरल एकेडमी ने, वो सभी रिनॉइड आर्टिस्ट है, अपने अपने फील्ड में वो महारत हासिल करते हैं, तो हम खुशनसीब समझते हैं स्पंदन टीम को, हमारे आनंद विकास जी है इनकी प्रेसिडेंट, और उनकी पूरी टीम को कि आप कारगिल पर हमारे दावत पर आए और इस प्रोग्राम को एक ज़बरदस्त बनाया। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो एकेडमी के साथ कारगिल की रिश्ता है वो आने वाले दौर में भी साथ रहे, और इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम कारगिल जैसे जगह पर करें। ऑलरेडी हम प्लान कर रहे थे कारगिल में ऑल इंडिया स्कल्पचर कैंप भी हो, तो पेंटिंग कैंप हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपका साथ रहा तो इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम अपने कारगिल के लिए और कारगिल के जितने भी बटिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो डे वन यानी जब मैं फर्स्ट टाइम कारगिल में आया था और सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिला था, तो उसी दिन ये एहसास हुआ था कि ये कुछ स्पेशल होने वाला है। जो इन लोगों का जो सपोर्ट था, जो इनका व्यवहार था, जो अपनापन था, वो वाकई देखने लायक था। मेरे को लगा कि जैसे एकदम फ्रेंडली हैं सब। मैं CEC सर से भी मिला, फिरोज सर से, तो एकदम फ्रेंडली, यानी उस दिन ये विश्वास हो गया था डे वन को कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अब ये जो आज जो कामयाब शुरुआत हुई है, एक बहुत ही ज़बरदस्त काम शुरुआत हुई है, ये हमारे दिमाग में कई ख्वाब पैदा कर रही है कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, और हम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे फेस्टिवल की कामयाबी जो है
वो डिपेंड करती है कि कितने कारगिल के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं कारगिल के सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, यहाँ हमारे कलाकारों से मिलें और उनका हौसला बढ़ाएं। और सबसे ख़ास बात ये है कि कारगिल के जो टैलेंट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हैं, चाहे वो लिटरेचर से हैं, चाहे वो आर्ट से हैं, चाहे म्यूजिक से हैं, यहाँ पर आएँ और एक इंटरेक्शन हो, सबसे मिलना जुलना हो, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलेगा। तो मैं आज कारगिल के सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ और आशा है कि कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हर एक यहाँ पर आएगा और हमारी मुलाकात होगी। कारगिल जो है वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ प्यार है, सिर्फ अपनापन है। और मैं तो कई बार लोगों से बात करते करते एक भावुक हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है। तो मैं कारगिल के सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ और उनको इनवाइट करता हूँ। और सबसे ख़ास बात है, जिस मकसद से हम यहाँ पर आए थे, सैल्यूट टू द आर्मी, हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं। मैं कुछ गांव में गया था, मैंने देखा कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की, वहाँ उनकी पोस्ट बनी हुई है कि वहाँ पर कारगिल, यानी